हे विधेयक म्हणजे घटनेतलं 14व्या कलमाचं उल्लंघन करणार आहे असं विरोधकांना वाटतं. मग 1971 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता, मग पाकिस्तान नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही असा सवाल शहा यांनी उपस्थित केला. विधेयकाला विरोध करताना खासदार एन के प्रेमचंद्रन म्हणाले, हे विधेयक घटनेच्या मूलभूत संरचनेला तडा देणार आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणं हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध आहे असं प्रेमचंद्रन यांनी म्हटलंय. मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं. भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा. कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता. 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी. और नरसंहार रुका नहीं है मान्यवर. 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई. माननीय अध्यक्ष जी मुझे ऐसे नहीं रोक सकते. ये सरकार को 5 साल के लिए चुना है, हमें सुनना पड़ेगा. इस तरह से नहीं चलेगा. बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों देश के संविधान को हमने बारीकी से देखना पड़ेगा अगर इस बिल के तत्व को समझना है. तीनों जो देश है, ये तीनों देश के संविधान के अंदर वो राज्य का धर्म का जिक्र है.